तो आपका प्रिय एनसीईआरटी चैनल में स्वागत है। और हम कर रहे हैं कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी गणित की प्रश्न नंबर 2.2 प्रश्न 15 में दिया है। प्रश्न दिया दी 10 इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 10 इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 बराबर पाई अपॉन 4। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने हल लिखा है, हमने लिया है ज्ञात है 10 इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस, जो हमारा पूरा सवाल था वो हमने उतार दिया। तो हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेन और टेन को जोड़ने वाला ये फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पर। तो ये टेन एक्स हो गया पूरा ये, और टेन ए वाई हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, टेन एक्स को और टेन वाई को जोड़ेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई हो जाता है अपॉन में एक्स वन अपॉन वो बटीन हो जाता है माइनस का वन और एक्स इंटू वाई हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि चूँकि टेन एक्स प्लस वाई बराबर जो होता है वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, टेन एक्स प्लस वाई का। तो ये टेन है, ये टेन एक्स है, ये टेन वाई है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये टेन इनवर्स रखेंगे पहले, ये टेन इनवर्स हो गया। यहाँ पर एक्स था वहाँ पर इसको रखेंगे, जहाँ वाई था वहाँ पर इसको रखेंगे। तो एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, एक्स एक्स अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, ठीक है, और प्लस, ठीक है, ये एक्स का पूरा ये एक्स हो गया, ये पूरा वाई हो गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे पहले, फिर हो जाएगा ए वाला, ये क्या है हमारा पूरा वाई है, एक्स प्लस वन फॉन एक्स प्लस टू। इन दोनों को पहले जोड़ दिया, मतलब एक्स वाई को जोड़ दिया। इसके बाद क्या करते हैं, वन माइनस करके इन दोनों को गुणा करेंगे, एक्स इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स इंटू वाई है, तो ये एक्स ये वाई है, इन दोनों का गुणा करेंगे, एक्स माइनस वन फॉन एक्स माइनस टू, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू मतलब गुणा, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर टेन इनवर्स हमारा जाके कहाँ है, और ये बटी में ये बराबर में था, ठीक है, बराबर पाई अपॉन फोर। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर पाई अपॉन फोर, ये साथ में चलेगा। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, जब दो इस प्रकार से पद दिए जाते हैं हम उनका क्या लेते हैं एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस टू इंटू हो जाएगा एक्स प्लस टू, ये हो गया उन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं हम, इसका इसमें गुणा कर देते हैं जब कुछ नहीं कटता है, और इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो एक्स माइनस वन लिखेंगे, और यहाँ पर बचा ये, तो एक्स प्लस टू का इससे गुणा होगा, ठीक है, तो ये गुणा हो जाता है, और प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और इसका गुणा इससे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, एक्स प्लस वन, और गुणा में आ जाएगा एक्स माइनस टू, इस प्रकार से इसका गुणा हो जाता है। फिर देखते हैं नीचे, तो ये पूरा, अब ये वाला बटी है, ये पूरा बटी लग जाएगा, और फिर इसके बाद में क्या है, वन माइनस, तो एक्स माइनस टू मतलब इन दोनों का आपस में गुणा होगा, और एक्स प्लस टू, तो इन दोनों का गुणा हो गया, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, ये दोनों आपस में गुणा के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो पहले हम ऊपर वाली का करते हैं, तो ऊपर वाली का हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू में ही लिखा रहेगा, ठीक है, एक्स प्लस टू, एक्स एक्स प्लस वन है, ठीक है, ये भी इंटू में रखेगा, ये भी इंटू में रहेगा, और इसका माइनस होकर ये घट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये घटा देंगे उसमें से, तो एक्स पहले यहाँ पर घटाएंगे, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, ये घट गया, ठीक है, और इस पूरे के बटी में रहेगा एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू, तो ये दोनों बटे में आ जाएंगे गुणा के साथ एक्स प्लस टू, ठीक है। पहले हमने इन दोनों को गुणा किया, और उन दोनों में से इन दोनों को गुणा करके हटा दिए, ठीक है, और उसके पूरे के बटे में इन दोनों को जाके तक गुणा करके रख दिए, इतना किया है। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, यहाँ देख रहे हैं एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू है, यहाँ पर एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू है, आपस में कट जाएंगे, तो ये दोनों कट जाती हैं, तो कितना बचेगा, एक्स माइनस वन मतलब ऊपर की ये पूरी लाइन बची और नीचे की ये पूरी लाइन बची, और बराबर में हमारा क्या था पाई अपॉन फोर, ये पाई अपॉन फोर था, तो पाई अपॉन फोर रखा हमने,
हम क्या करेंगे, ऊपर की लाइन को उतार देते हैं यहाँ पर, टेन इनवर्स करके टेन इनवर्स, और यहाँ पर ऊपर की लाइन आ जाएगी एक्स माइनस वन हो जाएगा एक्स प्लस टू, फिर हो जाएगा प्लस एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। इस प्रकार से हमने ऊपर की लाइन को लिखा। अब नीचे की लाइन बची थी ये, तो यहाँ पर क्या था एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, फिर माइनस है और यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वन, यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वन। इस प्रकार से तो हम इनको क्या करेंगे, आपस में इनका गुणा करेंगे, बराबर हमारे पास पाई बाई फोर था तो वो चलेगा पाई बाई फोर। तो यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे टेन इनवर्स पर यहाँ की तरह लिख लेती हैं, एक्स का एक्स से होगा तो हो गया एक्स वर्ग, फिर एक्स का टू से होगा तो कितना हो गया प्लस के टू एक्स। ठीक है, अब एक का होगा इन दोनों से, तो माइनस का एक था तो माइनस का एक्स हो जाएगा, और माइनस का एक का माइनस के दो से गुणा होगा तो कितना होगा माइनस का टू। अब इसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दीजिए यहाँ पर, इन दोनों का गुणा होगा तो एक्स का एक्स से होगा तो हो गया एक्स वर्ग, यहाँ पर एक्स का टू से होगा तो माइनस का हो गया टू एक्स, और यहाँ पर वन का एक्स से होगा तो प्लस का ये वन है तो हो जाएगा प्लस का एक्स, और यहाँ पर प्लस वन का माइनस के टू से होगा तो हो जाएगा माइनस का टू। इस प्रकार से ऊपर का गुणा हो गया। अब नीचे का करते हैं, बराबर में हमारा पाई बाई फोर है तो वो चल रहा है साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स का एक्स से करेंगे तो एक्स वर्ग ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या करेंगे एक्स का टू से करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा, फिर टू का करते हैं तो ये माइनस का टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस का टू एक्स होगा क्योंकि ये प्लस का एक्स का हुआ था, माइनस का टू एक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, टू का करते हैं, माइनस का टू एक्स आ गया, फिर टू का हमने टू से किया तो ये प्लस का फोर हो गया। ठीक है, माइनस का फोर, माइनस का दो है, माइनस का और प्लस का दो है, तो ये आपस में गुणा होता है माइनस प्लस का तो हम माइनस में आ जाता है रिजल्ट, तो ये फोर हो गया। फिर माइनस लगा है ये वाला, ये लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद में है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का एक्स से होगा तो एक्स वर्ग, एक्स का एक से होगा तो प्लस का एक्स, फिर यहाँ पर माइनस एक का होगा तो माइनस का एक्स, और माइनस एक का होगा एक से तो माइनस का वन। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या हमारा कट रहा है, तो यहाँ पर प्लस टू एक्स है, ये माइनस का टू एक्स, ये कट गया, ये कट गया, माइनस का एक्स है, प्लस का एक्स है, ये कट गया, और ये माइनस का टू है, ये माइनस का टू है, तो ये हो जाएगा प्लस का फोर, मतलब माइनस का फोर ही हो जाएगा, और एक्स वर्ग है और ये एक्स वर्ग है तो ये टू एक्स वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतने कट गए। अब देखते हैं आगे सॉल्व करके क्या बचता है। यहाँ पर देखिए एक्स वर्ग था प्लस का, यहाँ पर माइनस का है, ये और ये कट जाएंगे, माइनस का प्लस का कट जाता है, प्लस के टू एक्स हैं, यहाँ पर माइनस के टू एक्स हैं, ये दोनों आपस में कट गए, माइनस का फोर है और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का एक है, तो माइनस का फोर है, माइनस का एक कितना हो जाएगा प्लस का। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ये माइनस था तो इस सबको माइनस में बदल देगा, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस के कट जाती हैं क्योंकि माइनस से कोष्टक खुल गया। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का वन था और ये माइनस का फोर है तो ये थ्री बचेगा। तो हम आगे लिख देते हैं इनको सॉल्व करके, यहाँ पर टेन इनवर्स जहाँ कितना आ गया, और उसके बाद हमारे क्या बच रहा है यहाँ पर एक एक्स वर्ग और एक एक्स वर्ग हो जाएगा टू एक्स वर्ग, टू एक्स वर्ग, और यहाँ पर है माइनस का टू और ये माइनस का टू, तो जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे कितना माइनस का फोर, और बटा है तो बटा लगा देती हैं, यहाँ पर माइनस का फोर, यहाँ पर है प्लस का वन, तो ये हो जाएगा माइनस का थ्री, और बराबर में हमारा क्या है पाई अपॉन फोर, ये हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, टेन इनवर्स है जो उसका हम पक्षांतर करते हैं, तो इनवर्स से सीधा टेन बन जाएगा। ठीक है, तो इनवर्स हट जाता है पक्षांतर में, टू एक्स वर्ग माइनस फोर अपॉन माइनस का थ्री। ठीक है, इसको कर रहे हैं सॉल्व, और बराबर में आ जाएगा टेन हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा पाई बाई फोर। तो हम क्या करते हैं, टेन पाई बाई फोर कितना होता है, पाई बाई फोर मतलब पैंतालीस, और टेन में पैंतालीस का मान कितना होता है एक, टेन पैंतालीस का मान होता है एक, तो ये बराबर में हम लिख देते हैं एक, और जो हमारे साइड सवाल था वो यहाँ की तरह लिखते हैं, टू एक्स वर्ग माइनस का फोर अपॉन माइनस का थ्री। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो थ्री एक गुणा कर देते। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर एक बटी में, तो इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा, तो यहाँ पर इससे कर दिए हैं तो क्या बचेगा, टू एक्स वर्ग माइनस फोर यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का तीन, यहाँ पर इससे गुणा होगा तो ये माइनस का तीन हो जाता है, ये माइनस का तीन है, माइनस का चार है, लेकिन इसका पक्षांतर करते हैं तो क्या आता है, देखिए टू एक्स वर्ग
बराबर लगा दिया, माइनस का तीन यहाँ पर था और पक्षांतर के थे, प्लस का चार हो गया। तो माइनस का तीन और प्लस का चार कितना हो गया, प्लस का वन। तो ये प्लस का वन हो जाएगा, हम यहाँ पर रख कर रहे हैं जगह ना होने के कारण। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू एक्स वर्ग था, ठीक है, बराबर था ये, बराबर हो गया। यहाँ पर माइनस का तीन है, प्लस का चार है, तो कितना बचा, प्लस का वन। तो यहाँ पर हम दो को बट्टी में ले जाएंगे, गुणा में था, तो यहाँ पर बचा एक्स वर्ग, यहाँ पर बचा बटे वन, और बट्टी में आ जाएगा हमारा दो। वर्ग है, वर्ग हटती है, हटाएंगे तो इस पर वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर एक बटे दो पर वर्गमूल आएगा, ठीक है, तो इस पर वर्गमूल आएगा पूरे पर, ये पूरे पर वर्गमूल, और प्लस माइनस साथ में हो जाता है, तो एक का वर्गमूल तो एक ही हो जाता है, ठीक है। तो क्या बचेगा, एक बटे करणी दो, और ये प्लस माइनस साथ में रहेगा, यहाँ पर ही हम देख सकते हैं प्लस माइनस साथ में रहेगा, एक बटे करणी दो इसका एक्स की वैल्यू आ जाती है, यही इसका मान और यही इसका फाइनल आंसर है। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यही इसका आंसर होगा। Yeah.